तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आपने आज तक हमारी एक वीडियो में देखा होगा कि हमारे आगे के टायर थोड़े बड़े हैं और पीछे के टायर छोटे हैं। और ये चीज़ आपने देखी होगी, कई कंपनियों में टॉप मॉडल में गाड़ी के टायर बड़े आते हैं और जो उसमें स्टेप नहीं आती है वो छोटी आती है। क्योंकि जैसे कि जस्ट लाइक आप देख लो, कोई गाड़ी का स्विफ्ट का देख लो, टॉप मॉडल ZDI आता है, उसमें आता है 15 इंच के व्हील और उसमें जो स्टेप नहीं आती वो 14 इंच की आती है। तो उनमें टायर साइज़ का डिफरेंस होता है कि टायर साइज डिफरेंट है, ये है वो है, और उस पर मार्किंग होती है 80 किलोमीटर की कि हाँ 80 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है। तो आज इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अपनी गाड़ी में आज लगे हैं 3 टायर लगे हैं 165/80R14 के। तो मतलब 165 मतलब ब्रॉडनेस इतनी पतली है और 80 इंच मतलब 80mm की हाइट है उसमें और 14 इंच के व्हील है। और बाकी का एक टायर हमने लगाया है जो कि पूरा घिसा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो 185/70R14। तो यहाँ पे 10mm छोटा है और ब्रॉड भी है। तो इसके चक्कर में आज देखेंगे क्या कुछ रहता है चलाने में, कितना एक्सपीरियंस में फ़र्क पड़ता है और ऐसा क्या होता है कि कंपनियाँ टॉप मॉडल में और इसमें स्टेपनी में फ़र्क करती है, तो इसमें कितना फ़र्क पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। तो आ जाओ गाड़ी के अंदर। पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अपन करते हैं की इंसर्ट, और उससे पहले अपन आपको टायर दिखा देते हैं क्योंकि आपको विश्वास भी होना चाहिए कि अपन ने कैसे किया है। आ जाओ, तो एक टायर छोटा है बाकी टायर बड़े हैं। तो यहाँ पे देखो, आ जाओ, तो यहाँ पे टायर प्रोफाइल ये रही, देखो 165/80R14। तो ये 85S के टायर है, ठीक है, तो इसका डायमेंशन या प्रोफाइल अलग है पूरी। और पीछे का टायर आ जाओ, तो यहाँ पे ये टायर जो कंपनी के साथ स्टॉक आया था वो है 165/80R14 है, ये भी 85T है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें 165/80R14 है, तो सेम हो गए दोनों आगे टायर। और उस साइड का टायर दिखाते हैं, तो ये सेम एज फ्रंट है, तो 165/80R14 85S जो कि अपनी गाड़ी में पहले से लगे हुए थे, जो स्टॉक थे चारों पहले ये थे, दैट्स वाई एक थोड़ा कट गया था, इसी रीजन से अपन ने चेंज किए थे। बट आपने देखा 3 टायर सेम साइज के, अब एक टायर आपको डिफरेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 185/70R14, तो अब देखो डिफरेंस, देखो 185, तो यहाँ पे देखो चौड़ा है टायर, तो टायर पूरा घिसा हुआ है और चौड़ा है टायर, और यहाँ पे जो हाइट है वो कम है उसकी, ठीक है, और ये स्क्वायर टायर है, थोड़ा फर्क है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें, कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है और क्या फ़र्क पड़ता है अगर अपन एक साइज छोटा टायर चलाते हैं और बाकी टायर सारे टायर और सेम हो। तो अभी अपन ने इसमें फुल हवा भरी है, तो अपन उनके अकॉर्डिंग हवा कर लेते हैं। इसमें अभी हवा होगी 45, ठीक है, और दूसरे सारों में 35 है, तो अपन ने 10 की हवा बढ़ाई दी। क्यों? क्योंकि अपन को थोड़ी चला के देखना था क्या कुछ है, उस वक्त तो मेरे को कोई फ़र्क लगा नहीं। अभी आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर आपको थोड़ी सी हवा कम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहली चीज अपन करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। इसका फर्क आपको तब पता चलेगा जब आपकी गाड़ी की स्पीड 60-80 तब होगी, ठीक है। अभी मेरे को कोई फर्क एक्चुअल में बताऊं तो मेरे को लगा नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा के देखता हूँ, तो एक्चुअल देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तो एक्चुअल कोई फर्क नहीं है, और ऐसी कैसे चल रही गाड़ी, तो 20 की स्पीड है लगभग, और यहाँ पे गाड़ी में कोई फर्क है नहीं 1% का ना। गाड़ी इधर जा रही है, देखो हल्की सी इधर है, देखो इस साइड जा रही है, तो यहाँ पे देखो फर्क आपको अब पता चलेगा, देखना। अब देखो स्टीयरिंग को देखो एक बार, यहाँ पे स्टीयरिंग है, और इस साइड को देखना, गाड़ी इस साइड को भाग रही है, पूरा सीधा है स्टीयरिंग, फिर भी इस साइड को भाग रही है गाड़ी, ये देखो। यही रीजन है कि एक कंपनी ये छोटा देती है, ताकि आप टाइम पे टायर को चेंज करो, क्योंकि आप अगर स्टेपनी का यूज करने लगोगे तो कंपनी का बेनिफिट वहीं खत्म होता है कि गाड़ी का अपन पतला टायर चला के काम एक बार को चला लेंगे, और वहीं अगर पतला छोटा टायर होगा तो वो अपन थोड़ी देर चलाएंगे, पंचर वाले की दुकान तक पहुंचेंगे, या फिर टायर फटा है तो वहां तक पहुंचेंगे और टायर चेंज करवाएंगे। यही रीज़न है कि ये कंपनियां अपन को एक साइज छोटा देती है टायर। और इसके साथ एक और कारण बताऊँ, कॉस्ट कटिंग भी है ये चीज़, वहां पे अपन को स्टील व्हील मिलता है और वहां पे अलॉय व्हील मिलता है, तो और जो प्रोफाइल में फ़र्क है उसका भी फर्क पड़ता है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, छोटे टायर की जो कॉस्टिंग है वो 3200 रुपये है, और बड़े टायर की जो कॉस्टिंग है वो अराउंड मतलब 4000 के आसपास है, तो यहाँ पे ऐसे कॉस्ट कटिंग करती है कंपनियाँ। तो यही रीज़न है, बाकी आप उसको चला सकते हो, ठीक है, और हल्का सा बाउंस करेगी गाड़ी, तो यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं है फ़र्क, आप देख सकते हो। और अभी अपन हाई स्पीड पे चेक करा लेते हैं कि आपको ना लगे कि अपन ने ये कुछ दिखाया नहीं। और ये देखो सेकंड गियर, अब अगर हाथ यहाँ पे बराबर है तो भी हल्का सा भाग रही है, देखो गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे सीधा है,
तो भी इस साइड को भाग रही है हल्की सी गाड़ी, तो मेरे को इधर रखनी पड़ रही है गाड़ी, ऐसे टेढ़ा रखना पड़ रहा है स्टेयरिंग को। यहाँ पे यही डिफरेंस है कि एक्चुअल में कंपनियाँ ये अपन अपने साथ लाइन सब इतना मेरे को काटना पड़ा, नहीं तो मेरा इतने से मैं काम चल रहा था। अब मैं अगर कुछ नहीं करूँगा तो भी उस साइड को चली जाएगी गाड़ी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो रोड की, ठीक है। सो दैट्स वाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यही कुछ इसके हालत है। तो अगर आप छोटा टायर लगाते उस साइड को गाड़ी भागेगी भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्टेयरिंग को पकड़ के रखना। तो अब अपन चलते हैं और वापस से अपने पुराने टायर्स को लगवाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग।